हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DSA ग्राफिक चैनल। एंड दोस्तों, आज जो हम बेवल इफेक्ट तैयार करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम टाइप करने वाले हैं बेवल वेबल। एंड गाइज, ये काफ़ी एक जादुई सा इफेक्ट है, काफ़ी मैजिकल इफेक्ट है। अगर आप इसको अपने बैनर डिज़ाइन में यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी जो है आपको अट्रैक्टिव, आपका बैनर जो है इसमें लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे एंड ग्रेडियंट यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है ओके, यहाँ पे जब हम टाइप कर देंगे और इसका आउटलाइन हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है हम वेबल टाइप करेंगे। अगर आपके पास अलग सॉफ्टवेयर है, मतलब अगर आपके पास कोरल का पुराना डिवाइस है तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास कोरल 13 है, कोरल 14 है, कोरल 15, कोरल 16, जिसमें आप सब में ये बेबल इफेक्ट आपको मिल जाएगा। पुराने वर्जन में आपको ये जो है, आपको बिटमैप में अगर जाओगे तो उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा। नए वर्जन है तो उनमें जो आपको अलग से ऑप्शन मिल जाएगा, जो इफेक्ट वाला ऑप्शन है उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे टाइप करते हैं बेबल। तो इसका अब अगर हमें बेबल इफेक्ट लगाना है तो इसका जो हमें फॉन्ट रखना होगा वो जो हमें मोटा फॉन्ट रखना होता है। तो जो मोटा फॉन्ट होता है उसमें ये इफेक्ट काफ़ी अच्छा लगता है। अगर पतला फॉन्ट है तो उसमें ये इफ़ेक्ट उतना काम नहीं करता है। तो हम कोई मोटा फॉन्ट इसमें यूज़ करेंगे। इसके बाद इसको जो है बड़ा करेंगे इस तरीके से। ओके, नाउ इसको बड़ा करेंगे। जितना मोटा फॉन्ट आपके पास है आप उतना अच्छा फॉन्ट लगाइए। और अपने इसे जो है बैनर के डिज़ाइन में अगर आप यूज़ करेंगे इसको तो काफ़ी अट्रैक्टिव सा ये आपको लगेगा। ओके, नाउ इसको बड़ा करेंगे इस तरीके से। इसके बाद जो हम जो इसको क्या करेंगे हम, ओके इतना हो गया है। अब सेम कलर जो हमें इसमें यूज़ करना है जो हमारा बेस है। ओके ठीक, इसके बाद इसकी कॉपी करेंगे हम और इसी के ऊपर जो है उसको पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। नाउ अब हम इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे एंड नीचे ये जो लिखा है बेबल, इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से। नाउ यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, अलग अलग सेटिंग है, तो आप उनको जो है चेक कर लीजिए। इसको ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, इसको जो है इस तरह से इसमें इफेक्ट डालेंगे तो ये देखिए एक एक जो है बहुत प्यारी इसकी लुक आ गई है इस तरीके से। देखिए और इस थोड़ा छोटा इसको जितना कम करेंगे इतना जो उसका लुक जो है अच्छी आने वाली है। ये देखिए, आप अपने तरीके से, अपने हिसाब से जो अपने अपने डिज़ाइन में इसको जो अपने डिज़ाइन में जो है यूज़ कीजिए। आपको जितना बेटर लगता है उतना जो है आप इसमें इफ़ेक्ट यूज़ कीजिए। इसको नीचे ड्रैग करते हैं एंड इसको जो है दूसरा इफेक्ट इसमें हम लगाते हैं। ओके, इसको डिलीट कर देंगे, इसको नीचे करेंगे। ओके, इसमें हम जो है दूसरा इफेक्ट इसी में लगाएंगे। तो आप जो है जो ऑप्शन पहले वाले थे उनको जो है चेंज कर लीजिए। इसको नीचे वाले पे क्लिक कर दीजिए और इसको जो है यहाँ पे ये देखिए इसको हल्का सा ऊपर वाले को वहीं पे रखते हैं। दोबारा क्लिक करेंगे, इसको ऊपर ऑप्शन रखेंगे, इसको जो है नीचे रखेंगे एंड इसको अब ये देखिए इसमें थोड़ा और आगे ड्रैग करेंगे इसको, तो इसकी पीछे रखेंगे इसके इफेक्ट, जितना पीछे रखेंगे उतना जो है बेटर लुक इसकी आएगी। ये देखिए इस तरीके से हल्का हल्का आप इसकी सेटिंग में जो है चेंजेस करते रहिए तो आपको जो है इसकी लुक का नज़र, इसकी जो लुक है वो चेंज होती रहेगी। तो आपको बेटर आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे इसकी लुक ज़्यादा बेटर आ रही है। तो यहाँ पे हमारी दोनों लुक जो है एक अच्छी शेप में आ गई है। एंड अगर इसको हम अपने बैनर डिज़ाइन में यूज़ करेंगे या विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड, तो सब कहीं पर भी अगर हम इसको यूज़ करने वाले हैं तो इसकी लुक जो है काफ़ी अच्छी आएगी, आपका डिज़ाइन जो है इससे अच्छा ही लगेगा। तो गाइस, आज का ट्यूटोरियल छोटा था लेकिन आपको नॉलेजेबल था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।